नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या दोस्तों, झारखंड के लिए एबीपी न्यूज 80 वोटर का सर्वे आ चुका है और एक एक सीट और सभी पांच चरणों का एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे। आखिर में दिखाएंगे कि किसकी बनेगी सरकार, कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं। जहां दोस्तों एबीपी न्यूज 80 वोटर के सर्वे के अनुसार सभी पांच चरणों के लिए भी एग्जिट पोल जारी हो चुका है और आखिर में किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए भी आपको फाइनल एग्जिट पोल भी दिखा देंगे। तो झारखंड के लिए एक बड़ी खबर है कि एबीपी न्यूज 80 वोटर का सर्वे आ चुका है और झारखंड में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए बेहद ही चौंकाने वाले इस बार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता नजर आ रहा है, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आंकड़ों के हिसाब से झारखंड में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। ये झारखंड के लिए आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों पांच चरणों के लिए आपको एग्जिट पोल दिखा देते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि 81 सीटों के लिए किस पार्टी कितनी सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के लिए अगर बात की तो पहले चरण के लिए 13 सीटों पर जो यहां पर वोटिंग की गई थी 30 नवंबर को की गई थी और इसके लिए बीजेपी को 8 सीट और कांग्रेस को 4, जेवीएम को एक भी नहीं, आरएसएस पार्टी को एक भी नहीं, अन्य के खाते में एक सीट जा सकते हैं। और दूसरे चरण के लिए क्या एग्जिट पोल निकल के आ रहा है एबीपी न्यूज 80 वोटर के अनुसार, दूसरे चरण के लिए 20 सीटों के लिए बीजेपी को 8, कांग्रेस महागठबंधन को 11, जेबीएम को 1 और आरएसयू पार्टी को एक भी नहीं, अन्य के खाते में एक भी सीट, इन 20 सीटों में जाती नजर नहीं आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन तीसरे चरण के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े पलटते नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों ये तब का एग्जिट पोल है और तब ये सामने आया था जब यहां पर जो यहां पर नागरिकता बिल है और उस बिल को मंजूरी मिली थी लोकसभा में, उस समय इसे यहां पर वोटिंग की गई थी, तब यहां पर क्या आंकड़े बने। देखिए, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 5, जेबीएम को एक भी नहीं, आरएसयू पार्टी को 3 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट, इन 17 सीटों के लिए तीसरे चरण के लिए एग्जिट पोल के अनुसार आंकड़े आए हैं सामने। बीजेपी के लिए चौथे चरण के लिए देख सकते हैं 7, कांग्रेस के लिए 4 और जेबीएम को 0, आरएसयू पार्टी को 1 और अन्य खाते में 3 सीट, इन 15 सीटों के लिए जो यहां पर एग्जिट पोल निकल के सामने आ रहा है। लेकिन पांचवें चरण के लिए एग्जिट पोल के क्या आंकड़े हैं, नागरिकता बिल जो था उस समय जब यहां पर वोटिंग की गई है और यहां पर बात की तो बीजेपी 2 सीट पर आ सकती है एग्जिट पोल के अनुसार, कांग्रेस को 11, जेबीएम को 2, आरएसयू पार्टी को 1 सीट यहां पर जा सकती है पांचवें चरण के लिए। अब आपको दिखाते हैं 81 सीटों के लिए क्या एग्जिट पोल सामने आ रहा है। देखिए, बीजेपी के लिए 32 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस महागठबंधन को 35, जेबीएम के खाते में 3, आरएसयू पार्टी को 5 और अन्य के खाते में 6 सीट जा सकते हैं। यहां पर एबीपी न्यूज और सी वोटर के जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। वोट परसेंटेज की अगर बात कर लें तो बीजेपी को 37, कांग्रेस महागठबंधन के लिए यहां पर 34, जेबीएम के लिए यहां पर 8, आरएसयू पार्टी के लिए 7, अन्य के खाते में 14%। और अगर आपको आंकड़े दिखाए कि सरकार बनने के क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखिए बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए और अगर कांग्रेस के लिए बात करें तो कांग्रेस महागठबंधन को भी आंकड़े यहां पर दिखाई नहीं दिए हैं एबीपी न्यूज ने, और 35 सीटें उनके खाते में और जेबीएम को 3 और अन्य खाते में 6, तो ये अगर मिल जाती है साथ में तो फिर ये आंकड़ा जो है वो 44 के पार हो जाता है, तो जेएमएम की बन जाती है। लेकिन बीजेपी के लिए क्या आंकड़े बनते हैं, देखिए बीजेपी के लिए 32 अपने दम पर, आरएसयू पार्टी 5, अन्य की खाते के जो 6 हैं वो अगर इनके साथ आ जाते हैं तो जो आंकड़ा वो 43 तक पहुंच जाता है, तो बीजेपी की सरकार झारखंड में भी बन सकती है। तो यहां पर जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती नजर नहीं आ रही है झारखंड के अंदर। तो किसकी बनेगी सरकार, ये तो 23 दिसंबर को तय हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है तो अपनी राय भी दे सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नॉरिश आपको टाइम टाइम मिलता रहे।